बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रमज़ान की रेसिपी दे रही हूँ, चिकन और मशरूम के पकोड़े। सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये मशरूम है मेरे पास, ये छोटी है, तो अगर बड़ी हो तो इस तरह आप उसको हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे से पीस तो इस तरह मैंने साबुत ही रखे हुए। तो ये चिकन है, ये तकरीबन एक पाव के करीब होगा, जितना आपने ज़्यादा बनाना है उससे बना लें उस हिसाब से। तो ये मैंने थोड़ी दोनों चीज़ें ली हैं। और अब इसमें जो मसाले जाएंगे, ये कुटी मिर्चें, नमक, सुरख मिर्च, कसूरी मेथी, चाट मसाला, अजवाइन, कलौंजी, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये चीज़ें ली हैं। तो नमक भी अपने हिसाब से डालें और एक प्याली बेसन की। तो अब सबसे पहले मैं शामिल करती हूँ ये सारे मसाले। चिकन चिकन मैंने धोया, इसमें थोड़ा सा लेमन एक टीस्पून, इस जो एक पाव चिकन होगा उसमें तकरीबन एक टीस्पून के करीब कर लें, आधा किलो है तो थोड़ा बढ़ा लें, वो अपना हिसाब है आपका। बाज़ लोग तेज़ खाते हैं तो इस, बाज़ लोग हल्का खाते हैं। तो ये हॉट चिली सॉस, ये थोड़ी सी ये डालती हूँ। तो अब इसको हाथ से मिक्स करती हूँ, हल्की हल्दी भी शामिल कर रही हूँ, हाफ टू टी स्पून से कम, साथ ही इसमें मशरूम, ताकि इसमें थोड़ा मसाला आ जाए। और मैं मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला अच्छी तरह चिमट गया। अब इसमें ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चिकन और मशरूम। अब इसमें ये बेसन साथ साथ डालते हैं। अभी पूरी प्याली डाली, साथ ही हल्का सा पानी। तो अब इसको मिक्स करती हूँ हाथ के साथ। हाथ मैंने अच्छी तरह से धो लिए, तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करती। ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, ये देखें पूरी प्याली इसमें डाल गई है, साथ साथ हल्का हल्का पानी का छींटा देती रही। तो ये देखें अभी कम से कम एक दो घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखें, ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको मैरिनेट करके शख्स एक दो घंटे के लिए रख दें, ज़्यादा भी रखना चाहें। मैं शाम को बनाऊंगी या आज मैं सुबह रोज़े के टाइम बनाऊंगी। तो ये मैंने सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार की है, तो इस तरह पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं आपको अगले दिन दिखा रही हूँ। ये मेरे पास चटनी पड़ी थी मिर्चों की, मिर्चों की चटनी इसमें थोड़ी सी डाल दें, इससे टेस्ट आ जाएगा। सब्ज़ और सुरख मिर्चों की मैंने चटनी बनाई हुई थी। अब इसे बेशक हाथ से इस तरह पकड़ के, तो चिकन बेशक इस तरह लंबे रुख काट लें या छोटे पीस आपके पसंद है। ये साथ मैंने दाल बनाई है, चावल बनाए हैं। सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, इफ्तारी तैयार है। ये खजूरें साथ रखी हैं, चिकन और मशरूम के पकौड़े बनाए हैं, कॉफ़ी बनाई है, तो ये केचप के साथ, ये चटनी आप कोई भी बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी दी है, सारी चीज़ों को इकट्ठा मसाले वगैरह डाल के आप मैरिनेट करके रख दें तो आराम से इफ्तार के टाइम बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।